रैलियां, बड़े बड़े कार्यक्रम सब होता है। अगर बीजेपी बीजेपी के अगर पार्टी को बैठ जाएगा तो वहां भी कोई कोरोना जैसा ऐसा कुछ भी चीज दिखाई देगा। ये सारी चीजें सिर्फ जनता आम जनता के लिए लागू किया गया है। इसमें मास्क अभियान बहुत जोरों से चालू किया गया है। और इस ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना काल इसमें चल रहा है, इसमें सरकार जितने प्राइवेट सेक्टर हैं, वो हमारे रेलवे हो और बैंक हैं, इन सबको इस तरह से गड़बड़ किए जा रही है कि अगर आने वाले कम से कम 15 से 20 साल ये देश इतना पीछे चला जाएगा। आज नौकरियों के लिए लोग परेशान हैं, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनको नौकरियां कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। लोगों को अपना भविष्य अंधेरे में है, वो पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनको आगे अपना जो सपना लेकर घर से निकले हैं, कुछ बनना है, कुछ करना है, उस पर अगर उठा कर नज़रें देखा जाए तो कुछ नहीं है, सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस आंदोलन, उल्टी सीधे कार्य, एक हर चीज़ का एक तरीका, एक नियम होता है। अगर कोई कानून, कोई कुछ अगर पारित होता है तो उसमें उसका सत्र बुलाया जाता है, उसमें बैठ के बहस होती है, पक्ष विपक्ष अपना विचार रखता है, उसके बाद कोई कानून लागू होता है। उसके बाद भी अगर जनता उस पर अगर विरोध करती है तो उस पर भी सरकार को चर्चा करना चाहिए। एक हर चीज़ का एक नियम, एक संविधान, एक विधि है, उससे उसी से देश समाज चलता है। आज जो विषय रखा गया है, ये सब सारी चीज़ों को सोचते हुए देखते हुए रखा गया है। खैर, इसमें किसान आंदोलन जिस तरह देश में बहुत ज़ोरों से किसान, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग इस समय दिल्ली का घेराव कर रहे हैं, जब तक हमारे देश का जो आम नागरिक है, जो किसान है, इन सरकार को सिर्फ आम नागरिक किसान ही कुछ बता समझा सकता है। जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है देश में कि किसान जिस तरह से आज वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और जिस तरह से सरकार उन पर अपना अत्याचार कर रही है, इतनी ठंडी में उनके ऊपर पानी, ठंडे पानी गिराए जा रहे हैं, और आतंकवादियों जैसे जैसे लगता है वो विदेश से आए हैं, उन पर जिस तरह से सलूट किया जाता है। अब वो अपनी बात कहने आए, पर उनकी बात तो सुनिए। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं ऐसे विषय लेकर कि खुद तो हंसी आती है कि अंधेर नगरी अनबोझ राजा एक कहानी पढ़ा करते थे, आज वास्तविक की वास्तव में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हम कह सकते हैं कि ये इसमें अंधेर नगरी है और अनबुज राजा है, जिसको कुछ आता ही जाता ही नहीं है, कैसे क्या काम होना चाहिए क्या ना होना चाहिए। नोटबंदी आज रात 8-12 बजे के बाद ये नोट जो है कागज़ के टुकड़े हो जाएंगे, ये तो भाषा है। ये जो जो भारतीय नोट है, पैसा है, ये 12 बजे रात कागज़ के टुकड़े हो जाएंगे, उसमें भी जनता लाइन में लगी है। जब से सरकार आई है इन लोगों की, तब से जनता जो है लाइन में ही लगी रही है। आज पूरी भारत की अगर हम बात करें, पूरे देश की बात करें, तो हर व्यक्ति परेशान है। अब ये जो कोरोना भी बीच में एक अच्छा मौका मिल गया है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम हो गए हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। बस कोरोना जनता के लिए है, आम नागरिक के लिए है, बाकी बीजेपी के लिए, अन्य सरकार के लिए कोई नहीं है। सारे जितने ऐसे उल्टे सीधे काम थे, चाहे वो मर्जर हो, चाहे वो निजीकरण हो, इससे पहले नहीं, इसी कोरोना के बीच में ही सब लागू किया गया है। बस इसी बातों के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं कहने बोलने के लिए, आज हमारी संगोष्ठी काफ़ी सफल रही। खैर, हमारे बहुत सारे अतिथि कुछ कारणों से उपस्थित नहीं हो सके, और अगला विषय हम लोग रखेंगे, उस पर फिर हम सबको बुलाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी, बहुत अच्छे विचार रखे आपने। क्या बोल रहे हैं इसमें हम लोग क्या सुनी जा रही है, हम लोग कुछ नहीं सुनी जा रही। अंधेर रगनी चौपड़ रात जो है बिल्कुल सही है,
हम थाने चौकियों के चक्कर काट रहे हैं, हम लोगों की कुछ नहीं सुनी जा रही। ये तो संगोष्ठी में है, इसमें आए हैं, अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, जो है निकल जाएगा। हमारे भांजे का 20 जून को मर्डर हुआ था, कुछ भी हुआ था, पुलिस आज तक की जांच करने के लिए नहीं है हमारे यहाँ। और वो भी बकरी चरा करके मेरे भांजे को पाला था, मेरी बहन ने। गुरम्बा थाने में जा करके वो भी पस्त हो गए, अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ में। और बराबर वो जा रही हैं, अभी तक की हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक की नहीं दी गई। जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए या घर पे आकर के जांच की जाए, कोई जांच नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब इस विषय में क्या क्या बोले, हम खुद ही बहुत थक चुके हैं। जिसका जवान बेटा घर के अंदर मार दिया जाए, उस माँ से पूछो, घर के अंदर जा करके और पूरी बस्ती में एक बच्चा मार दिया गया, एक बेटा जिसका हो, उसकी कहानी तो इस तरीके की हो गई कि बच्चे को बड़ा करो, जवान करो, जैसे तैसे करके कोई भी आके मार दे, और पुलिस पूछने भी नहीं आएगी क्यों मारा, किसने मारा, क्या हुआ। पुलिस एक बार पूछने नहीं, सीसीटीवी कैमरा तक ही नहीं देखने आई कि सीसीटीवी कैमरा एक बार देख लिया करे, जांच भी करती है अंधेले में करती है। बच्चा मरा था कि नहीं मरा था, डेड हुई थी कि नहीं हुई थी, आप लेकर के चले गए हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गए, उसको पोस्टमार्टम में भेज दिया गया, उसकी माँ भी नहीं आ पाई थी। ये जांच का विषय है, हम तो ये चाह रहे हैं, लेकिन दौड़ दौड़ के हम लोग अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमको मालूम है, लेकिन हम अपनी बात को रोकेंगे नहीं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और सुन रहे थे मोहम्मद मुशीर जी को, जिन्होंने अपने विचार, क्या कहूँ, इनकी परेशानी है